एक लड़की जो एक रूम के अंदर लगभग 14 दिनों से थी, लेकिन वो अकेले नहीं थी बल्कि अपने प्रेमी के साथ थी, और वो उस रूम से 14 दिनों से बाहर नहीं निकली थी। उसने फैसला किया था कि वो इस रूम से जब बाहर निकलेगी, जब वो अपने प्रेमी को बेइंतहा मोहब्बत कर लेगी, प्यार कर लेगी, और वो बराबर इसी वजह से अपने प्रेमी के साथ लगभग 14 दिनों से संबंध बना रही थी। लेकिन उसी बीच उससे एक ऐसी गलती हो जाती है कि जिसकी वजह से उस रूम के अंदर मौत का वो खूनी खेल होता है कि जिसमें लड़की की मौत हो जाती है। और जब पूरी इस घटना का खुलासा होता है तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यकीनन आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत सीखने को मिलता हो तो नीचे रेड वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के कुर्सी थाना इलाके की है। वहाँ 4 नवंबर की सुबह जब लोग अपने अपने कामों पर जा रहे होते हैं तो उसी बीच उन लोगों को एक सड़क के किनारे एक लड़की की लाश दिखती है। फौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। DM SSP मौके का मुआयना करते हैं और लाश देख कर पता चलता है कि लड़की की उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच है, और जो उसकी हत्या की गई है वो तेज़ धारदार हथियार से गला काट कर की गई है। पुलिस लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लड़की की शिनाख्त करने के लिए उसकी फ़ोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है कि कुछ पता चल सके कि आखिर लड़की कौन है, और उसके बाद पुलिस कातिल तक पहुँच सके। लेकिन पूरे 3 दिन गुजर जाते हैं और पुलिस के हाथ खाली थे। ना पुलिस को ये पता था कि लड़की कौन है, कातिल कौन है, और ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि ये लड़की बाराबंकी की नहीं है। और उसके बाद पुलिस के पास अचानक से सीतापुर ज़िले से फ़ोन आता है, वहाँ का जो मोहम्मदपुर थाना है वहाँ से, और जहाँ की पुलिस को बताते हैं कि ये लड़की सीतापुर ज़िले की रहने वाली है। फौरन यहाँ से पुलिस वहाँ पहुँचती है और जो लड़की की फैमिली वाले थे उनसे पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि लड़की का नाम नेहा था, उसकी उम्र 20 साल थी, और नेहा आज से 14 दिन पहले अपने प्रेमी अतीक के साथ चली गई थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसने शादी करने की बात बोली थी, लेकिन फैमिली वाले ख़िलाफ़ थे क्योंकि दूसरी कास्ट का मामला था, और इस वजह से जब वो दोनों यहाँ से भाग गए थे तो उसके बाद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम अपनी लड़की से आने वाले टाइम में रिश्ता रखेंगे। रिश्ते नाते सब ख़त्म कर दिए थे, ना ही उनको मतलब था कि उनकी लड़की क्या कर रही है, और ज़िंदगी वो अपनी नॉर्मल जी रहे थे। लेकिन अब जब उन्होंने व्हाट्सएप पर अपनी लड़की का फ़ोटो देखा तो उसके बाद वो थाने में गए और शिनाख्त की गई। वहीं जब फैमिली वालों से पूछने के बाद लड़की का जो नंबर लिया जाता है उससे अतीक का नंबर मिलता है, और पुलिस फौरन अतीक के फ़ोन को ट्रेस कर उसको गिरफ़्तार कर लेती है। अब बड़ा सवाल पुलिस के लिए ये था कि जो लड़का 14 दिन पहले अपनी प्रेमिका को अपना घर परिवार फैमिली को छोड़कर लेकर भागा था, फरार हुआ था, कि आखिर उसने अपनी प्रेमिका का गला क्यों काट दिया, उसकी हत्या क्यों कर दी। और जब पुलिस अतीक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इन दोनों की प्रेम कहानी 3 साल पहले से चल रही थी। 14 दिन पहले ही बाराबंकी में आए थे और यहीं पर एक रूम लेकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। वहीं जो नेहा थी उसने बोला था कि हम लोग पहले यहाँ पर रहेंगे, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को प्यार करेंगे, और आखिर में इसी महीने में हम शादी भी कर लेंगे। और 14 दिनों से वो लोग बहुत सारा सामान ले आए थे जो अपने रूम में रख लिया था, और 14 दिनों से एक दूसरे के साथ थे। अतीक बताता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि जो 14वां दिन था उसी बीच में जब बाहर से वॉशरूम से टॉयलेट वगैरह कर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नेहा किसी से फ़ोन पर मुस्कुरा कर बात कर रही है। मैं चुपचाप खड़े होकर देखता रहता हूँ और वो उसके बाद किसी को वीडियो कॉल भी करती है, और ये देखकर मेरा उससे विवाद हो जाता है और मुझे पता चलता है कि नेहा के अवैध संबंध किसी और के साथ भी चल रहे हैं, और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं फ़ौरन जो वॉशरूम था उसके अंदर जाता हूँ, वहाँ से ब्लेड लेकर आता हूँ और उससे नेहा के गले को काट देता हूँ। नेहा की कुछ ही देर तक तड़पने के बाद मौत हो जाती है। दूसरे दिन सुबह मैं उसकी लाश को उठाकर वहीं पर फेंक आता हूँ और सुकून से वापस आकर अपने रूम में रहने लगता हूँ। मुझे नेहा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। मैंने अपना घर परिवार छोड़ा था और नेहा मेरे साथ धोखा कर रही थी, इसलिए ऐसा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। पुलिस अतीक को जेल भेज देती है, वो सारी ज़िंदगी जेल रहेगा। दूसरी तरफ जो नेहा थी उसकी फैमिली वालों का रोते रोते बुरा हाल था क्योंकि उन्होंने उनकी लड़की चली गई, और उनका कहना ये भी था कि अगर नेहा हमारी बात मान लेती, वो अपने प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपनी फैमिली को ना छोड़ती तो शायद ऐसा ना होता। और शायद अगर अतीक भी अपनी फैमिली परिवार को छोड़कर ना भागता
वहीं पर रहता और उसके बाद उसको पता चलता कि नेहा उसको धोखा दे रही है, तो शायद वो नेहा की हत्या ना करता, लेकिन घर परिवार छोड़ने का दुख और गम वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसलिए उसने हत्या कर दिया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या सीख ने बिल्कुल सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कोई भी कुछ भी कर ले, कितना भी बुरा कर ले, आप उसको जान से नहीं मार सकते, आप उसकी जान लेने की हकदार नहीं। अगर आप चाहें तो उसे छोड़ दें, उससे दूर हो जाएं। आपको अगर वो नहीं पसंद है तो आप, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी और को देख लें, लेकिन हत्या करना बिल्कुल गलत है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपकी परेशानी को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।